हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल होममेड क्वीन। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अ फेस मास्क फॉर ड्राई स्किन पीपल। ये मास्क आपकी स्किन के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा क्योंकि ये आपकी स्किन को 24 आवर्स तक नरिशमेंट और मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा। ये मास्क सारी स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है क्योंकि नॉर्मल और ऑयली स्किन वाले लोग भी होते हैं, उनकी स्किन भी कभी कभी उन्हें विंटर में काफ़ी ड्राई और डल फील होती है, तो आप ये मास्क यूज़ कर सकते हैं। गाइज, आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन की डीप लेयर तक जाकर ये अच्छे से आपकी स्किन को नरिश करेगा और हमारी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाएगा। इसके लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसका पेस्ट बनाना भी बहुत इजी है। इसके लिए हमें मिल्क क्रीम और टर्मरिक पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब इसे बनाते हैं। अब एक बोल लीजिए, उसमें 1 टीस्पून मिल्क क्रीम डालिए। गाइज, मिल्क क्रीम हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है और ये बहुत सॉफ्ट बनाएगी हमारी स्किन को, और हम इसे हिंदी में मलाई भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, मिल्क क्रीम हमारी स्किन को डीपली नरिश करेगी और हमारे स्किन टिश्यूज़ में डीपली जाती है और उसको नरिश करती है। इसके बाद इसमें एक चुटकी टर्मरिक पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइज, इसमें मिल्क क्रीम काफ़ी इफेक्टिव है हमारी स्किन के लिए, इससे हमारी स्किन की ड्राइनेस हट जाती है। और मिल्क क्रीम एक ओल्ड रेमेडी है हमारी स्किन को फेयर बनाने के लिए और हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन करने के लिए। और इसमें टर्मरिक पाउडर भी काफ़ी बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, ये हमारी स्किन के एक्ने पिम्पल्स को रिमूव करेगा और हमारी स्किन को क्लीन और ग्लोइंग बनाएगा। देखिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस पैक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये हमारी स्किन की डीप लेयर तक जाकर उसे सॉफ्ट करेगा और उसे ड्राई होने से रोकेगा। अब ये रेडी हो चुका है। अब आप इसे स्मूथली अपने फेस पर लगाएं और आप इस पैक को अपनी नेक और आर्म्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी एरिया को आपको लाइटन करना हो, आप सॉफ्ट और स्मूथ बनाना हो, तो इस पैक को आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस पैक को आप 15 मिनट्स तक छोड़ दीजिए और उसे फिर ठंडे पानी से धो लीजिएगा। और आप इस पैक को वीक में 4 to 5 टाइम यूज़ करें, इससे आपकी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।